अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब में जो हारस का काम होता है वो कैसा होता है और यहाँ पर किस तरह से जो सिस्टम है वो होता है और किस तरह से आप यहाँ पर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। दोस्तों, जो दुकान होती हैं और जो शॉपिंग मॉल होते हैं और जो कंपनी होती है, वहाँ पर इस तरह का बरादा, मतलब जो पानी का सिस्टम वो लगाया जाता है, इसके ऊपर टंकी है। और यहाँ पर हम आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरह से सऊदी अरब में हारस का काम होता है, यहाँ पर हारस किस तरह से बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है। दोस्तों, काफ़ी वीडियो हमने बनाया है और वहाँ पर हमने बताया है कि हारस बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है, लेकिन एक्चुअल में आपको पता नहीं होगा कि किस तरह से यहाँ पर हारस का काम होता है। दोस्तों, मैं आपको दिखा दें कि यहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ हैं और नई नई कंपनियाँ बनती जा रही हैं, ये देख सकते हो। जो हारस का काम है वो मुश्किल भी है और बहुत आसान भी है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर हारस का सिस्टम कैसा होता है, आपको हम जाकर दिखाते हैं कि यहाँ पर कैसा सऊदी अरब में काम होता है। दोस्तों, हम एक दिन पहले यहाँ पर आए थे और जो इसका पिलर होता है नीचे का, वो यहाँ पर पूरा खुदाई के साथ किया जाता है, मतलब चौकोर कम से कम 4-5 फुट नीचे होता है। हम दिखाते हैं आपको अंदर में जाकर, ये यहाँ पर देख सकते हो एक नया घर है और इसके अंदर जो काम है उसके हिसाब से हम आपको दिखाते हैं किस तरह से इसके अंदर काम होता है। यहाँ पर देख सकते हो अभी कोई भी नहीं है काम करने वाला, और ये देखिए, ये है इसके नीचे भी 4-5 फुट नीचे भी जो कंक्रीट है वो डाला गया है, सरिया सब कुछ डाला गया है, बाद में इसके साइड में दीवार है और ये कालिक पोता गया है, देख सकते हो, मतलब जो कचरा होता है वो यहाँ पर इसमें लगाया गया है। इसका पूरा पेंट जैसा आता है यहाँ पर सऊदी अरब में, और ये अगर कंपनी होगी तो इसके नीचे शायद स्विमिंग पूल है या क्या है, इसके अंदर भी गड्ढा एक बहुत बड़ा किया गया है, देख सकते हो। और ये देखिए, हम दिखाते हैं अंदर जाके, ये इसके अंदर पानी भरा हुआ है, बहुत बड़ा गड्ढा है और काफ़ी बड़ा बनाया गया है। इसके अंदर शायद कुछ सामान रखने के लिए, हमको लग रहा है कि स्विमिंग पूल हो सकता है, बहुत बड़ा है, ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर आप यही सोचते होंगे कि हारस किस तरह से बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है। दोस्तों, ये कंपनी है और ये घर भी हो सकता है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये कंपनियाँ हैं। यहाँ पर पानी का टैंकर रखा हुआ है, इसके बगल में एक केयर भी है, इसमें हारस रहता है, बगल में एक किर भी है, इसमें हो सकता है दूसरा हो या हो सकता है कि इसके अंदर सामान हो। इधर भी टंकी है, इधर हदीद है, मतलब जो लोहा होता है, ये ईंटा है और भी इधर ईंटा लगा हुआ है, ये देखिए, और खुदाई करने वाला वो खड़ा हुआ है, और बाहर से किर भी लगा हुआ है ताकि बाहर के लोग ना दिखें, ना किसी को दिखे कि यहाँ पर क्या काम हो रहा है। ज़्यादातर इंडिया में भी और सऊदी अरब में भी ऐसा ही होता है कि बाहर से कोई सिस्टम नहीं दिया जाता है, हदीद का जो काम है, हद्दाद का जो काम है, वो यहाँ पर सेटअप पूरा किया हुआ है, देख सकते हो, यहाँ पर सब बनाया गया है, ये देखिए हदीद वाले इस तरह से काम करते हैं, और फिर यहाँ पर पिलर खड़ा किया जाता है। अभी इसके ऊपर एक पूरा पिलर खड़ा होगा, फिर एक लिंटर डाला जाएगा बराबर पर, उसके बाद में फिर यहाँ पर आगे काम होगा और फिर पिलर खड़ा करके दीवार खड़ी करी जाएगी, मतलब छत, इस तरह से काम होता। हला जैन 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 अल्हम्दुलिल्लाह सब वीडियो सलोन हादा सब हुए सलोन बेस सब हुए यानी जदीद आराम सुना सर का, ये देख सकते हो कुछ इस तरह से यहाँ पर होता है, ये देखिए। और यहाँ पर पुलिस भी आ गई है, इसलिए सभी लोग भाग रहे हैं, ये देख सकते हो आप। और हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो इनकी सैलरी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, हम इसके बारे में आगे आपको बता रहे हैं। अभी हम आपको बताते हैं कि इसमें कैसे लोग ज़्यादा पैसा कमाते हैं। दोस्तों, देख सकते हो कि यहाँ पर पूरा पत्थर ज़मीन के अंदर निकलता है, ये देखिए पूरा पत्थर ही है और इसके नीचे बिल्डिंग बन रही है। यहाँ पर अगर एक हारस बगल में 2-4 जो बिल्डिंग है वो ले लेता है, तो यहाँ पर एक बिल्डिंग का कम से कम 1200-1400-1500, डिपेंड होता है कि आप कौन सी कंट्री से हो, कम से कम 1000 रियाल।
तो 1000 रियाल के हिसाब से 4-5 बिल्डिंग ले लिया तो 4-5 हज़ार रियाल यहाँ पर आसानी से आ जाता है। इसके अलावा कम से कम सैलरी के बराबर आपको ऊपर से भी आएगा। हद्दात वाले देते हैं, नज्जार वाले देते हैं, पेंटिंग वाले देते हैं, ये जो पेंट किया काला काला हमने दिखाया है उसका भी अलग से मिलता है, उसको करना पड़ता है। तो 100-200-300 रियाल 500 रियाल इसमें मिलता है। तो ये सारा अलग अलग से कमाई इसमें होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इसमें कमाई होती है। इस तरह से सऊदी अरब में हार से काम होता है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।